हम अपनी लाइव स्ट्रीम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो आज हम इसमें सीखेंगे। टर्न ऑन ऑफ DVR ऑन लाइव स्ट्रीम ऑन YouTube। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग को हम ऑन और ऑफ करके अपनी लाइव स्ट्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये चल के इसमें देखते हैं। टर्न ऑन DVR ऑन लाइव स्ट्रीम। टर्निंग ऑन YouTube DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर lets your viewer to pause, rewind and continue during the live stream. तो आप अगर इसको enable कर देते हैं features को तो आप रोक सकते हैं live stream को, rewind कर सकते हैं और continue कर सकते हैं। Once a viewer resume playing the live stream will continue from where they hit pause. और अपनी live stream को resume कर सकते हैं जहाँ से आपने रोका था। To turn on DVR, follow these steps. अब DVR को कैसे enable करते हैं उसके लिए ये steps करने पड़ेंगे। Go to YouTube Studio, सबसे पहले YouTube Studio में जाइए। Click create go live, अब आपको go live को create करना है। Start a live stream now from the stream tab और schedule a live stream from the manage tab। तो start करते हैं live stream को फ्रॉम स्ट्रीम टैब से और या शेड्यूल में जाके मैनेज टैब से हम अपनी स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द स्ट्रीम डैशबोर्ड क्लिक अनेबल DVR, वहाँ पर DVR को हम अनेबल करेंगे तो हमारा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग अनेबल हो जाएगी। लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती है। लिमिट्स, इफ़ योर लाइव स्ट्रीम बिकम्स वेरी लॉन्ग योर व्यूअर्स विल only be able to rewind up to a limit. They will be able to seek back up to 12 hours on most devices. अगर वो rewind करके देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक का वो rewind कर सकते हैं। 2 hours for low latency in a ultra low latency stream. 2 घंटा का लो लेटेंसी और अल्ट्रा लो लेटेंसी स्ट्रीम्स को देखते हैं। 4 hours फॉर नॉर्मल लेटेंसी स्ट्रीम। व्यूइंग ऑन एप्पल टीवी, एप्पल एयरप्ले और ओल्डर ऐप वर्जन्स आर सब्जेक्ट टू लोअर लिमिट। इन सब की लिमिट जो होती है वो लोअर होती है। दीज लिमिट ऑल्सो अप्लाई व्हेन अ व्यूअर यूजेस पॉज एंड रिज्यूम व्यूअर्स कैन नेवर सीक बैक टू बिफोर यू वेंट लाइव। अगर आप लाइव जा रहे हैं तब व्यूअर जो है आपकी स्ट्रीम को बैक रिवाइंड नहीं कर सकता जब तक कि आपकी स्ट्रीम ख़त्म ना हो जाए। डिसेबलिंग DVR, इफ यू चूज टू डिसेबल DVR, व्यूअर्स कैनॉट सीक बैक वाइल यू आर स्ट्रीमिंग बट व्यूअर्स कैन स्टिल सी आर डिसेबलिंग DVR recording of your entire stream once it is available. लेकिन अगर आपने DVR disable भी कर दिया है तो बाद में जब पूरी streaming हो जाएगी तब भी वो आपके live को देख सकता है। Disabling DVR is not supported for webcam and mobile streaming. जिस समय आप disable कर देंगे उस समय वो webcam और mobile को support नहीं करेगा। If you change your mind about DVR after going live, you can still enable or disable while live stream. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल और वेबकैम को अनेबल नहीं कर सकते, आप बीच में ही अनेबल कर सकते हैं। However, the changes will only apply to viewers who start playing your stream after you make the change. और ये सब जो आप अप्लाई करते हैं DVR पे वो व्यूअर्स के लिए होता है जिससे आप उनको कंट्रोल कर पाइए और अपने मन मुताबिक लोगों को ही स्ट्रीम में रखिए। अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है तो आप उसको रोक भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर अबाउट DVR। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।